उधर भारत से बार बार मार खाने के बाद चीन पूरी तरह से बौखला गया है। चीन ने अपने 6 एयरबेस एक्टिव कर दिए हैं। ड्रैगन एलएसी के करीब शी गत्सो एयरबेस में लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। शी गत्सो एयरबेस सबसे करीब भारतीय सीमा के माना जाता है और यहां पर ड्रैगन ने अपने फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी है, साथ ही ड्रोन की भी यहां पर तैनाती की गई है। फाइटर जेट्स और ड्रोन के अलावा रिफ्यूलर्स, इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम भी यहां पर मौजूद हैं। ये बेस की सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं। इस बेस पर पिछले कई सालों से लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। एयरबेस अब एयर स्पेस सर्विलांस से भी लेस है और ऐसे में चीन को लेकर जो बातें कही जाती हैं वो देखिए सच साबित हो रही हैं। एक बार ध्यान से इस इमेज को आप देखिए, यहां पर आपको आर्मी के व्हीकल्स नजर आ रहे हैं, इसके अलावा वो लड़ाकू विमान नजर आ रहे हैं जो युद्ध के दौरान चीन इस्तेमाल कर सकता है और रनवे तक यहां पर बना हुआ है। बिल्कुल। और देखिए, अरुणाचल प्रदेश के जिस यांगत्से सेक्टर में ये झड़प हुई। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का विधानसभा क्षेत्र है और इस झड़प के बाद खांडू ने चीन को फिर याद दिला दिया कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये आज का भारत है जो पलटवार कर सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि दुश्मनों को उनके घर में घुसकर भी मारना जानता है। एंड यांगसी सेक्टर इज माय कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली, अपना मेरा अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैं हर एक साल को वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ का जो फौज वहाँ पे तैनात है उनसे भी मिलता हूँ और अपना जो गांव वाले हैं उनसे भी मैं जाके मुलाकात जाके करता हूँ। तो देखिए, अभी पहले का परिस्थिति कुछ अलग था, इट्स नॉट 1962 एनी मोर। अभी हम लोगों का मोदी साहब का रीजन में हम लोगों का अभी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ये टॉक अबाउट बॉर्डर द रीजन, जहाँ भी है हम लोगों का कनेक्टिविटी बढ़ चुका है। यांगसी सेक्टर में पहले कनेक्टिविटी नहीं था वहाँ पे, अभी हमारे वहाँ पे यांगसी सेक्टर में भी कनेक्टिविटी आ गया है। और जिस प्रकार से अपना इंडियन आर्मी ने जो चाइनीज़ पीएलए को जो वापस जो किया है वो काफ़ी उन लोगों को तारीफ करने लायक है। फ्रॉम दी ऑन बिहाफ ऑफ दी पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मैं उन सभी जो वीर जवानों को तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उनकी वजह से अपना प्रदेश और ये देश जो है काफी हम लोग का सेफ गार्ड में है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को आपने सुना, उनका ये कहना है कि ये 1962 वाला भारत नहीं, अब का भारत ना सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा करना जानता है बल्कि दुश्मनों को उनके घर तक खदेड़कर उन पर हमला करना भी जानता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अब चीन के उन 6 एयरबेस के बारे में बताते हैं जो चीन ने भी रेडी कर लिए हैं। ये आप चीन के अलग अलग एयरबेस देख रहे हैं। देखिए यहां पर किस तरह से चीन की तैयारी है, क्योंकि कुमिंग की बात की जाए, पंगटा की बात की जाए, चेंगू की बात की जाए, ये शिगत्से की बात की जाए, ये वो सारे एयरबेस हैं जो चीन ने भी एक्टिव कर लिए हैं। और प्रिया, शिगत्से खासकर एक ऐसा एयरबेस है जो तिब्बत के रीजन में पड़ता है और भारतीय सीमा के सबसे नजदीक है। सिर्फ यहां पर चीन ने अपने एयरबेस को एक्टिव और रेडी नहीं किया है बल्कि चीन की तरफ से भी यहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस विमानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा रडार सर्विलांस सिस्टम की भी तैनाती की गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।